केमिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सीएनसी का कोर्स चल रहा है 4 मंथ और 1 वर्ष का भी। ये यहाँ का नेचर है, सभी जगह पे पेड़ पौधे हैं, ऐसी जगह पे ये सीएनसी का ट्रेनिंग सेंटर भी है 4 मंथ और 1 साल का, दोनों तरह के कोर्स चल रहे हैं यहाँ पे। ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपने देखा नहीं होगा, ऐसा वर्कशॉप है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ये है 5th एक्सिस मशीन VMC, कंट्रोलर है मित्सुबिशी का। पूरा मशीन है LMW कंपनी का। इतना बड़ा ये वर्कशॉप है, अभी बच्चे नहीं है, छुट्टी पे है, मैच खत्म हो गया है। ये देखिए, ये भी LMW का ही मशीन है। कंट्रोलर है फानुक कंट्रोल, सीरीज OIMF+ है। हमारे यहाँ का टाइमिंग है सुबह 8:30 से 5 का। अगर आपने डिप्लोमा पास किया है, कोई मैकेनिकल ट्रेड पास किया है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद जिन्होंने 10वीं पास की है, कोई टेक्निकल फील्ड में काम नहीं किया है, वो भी 10वीं पास पे 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए पांचवें महीने में फॉर्म हम भरते हैं यहाँ पे। 10वीं पास होना चाहिए। ये है CNC टर्निंग सेंटर, सीमेंस का कंट्रोलर है उस पर। सभी मशीन चालू हुई है, बच्चे के लिए 8:30 से 9:30 बजे तक क्लास रहती है, थियरी क्लास, और उसके बाद 9:30 से 5 बजे तक फुल टाइम प्रैक्टिकल होता है मशीन पे। ये है टर्निंग सेंटर CNC लेथ मशीन, सभी मशीन पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। सिर्फ 5th एक्सिस पैसा है जो कैडकैम करने के लिए दिया है, उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए है। ये हमारा CNC लेथ मशीन या टर्निंग सेंटर है। बच्चे खुद ही जॉब बनाते हैं, खुद ही मशीन ऑपरेट करते हैं। आपने ऐसा वर्कशॉप शायद कहाँ पे भी नहीं देखा होगा, और इतना टाइमिंग बच्चों को मशीन चलाते हुए भी नहीं देखा होगा। ये प्रैक्टिकल जॉब है और मॉडल जॉब है जो बच्चे ने प्रैक्टिकल करके बनाया है, और किसी को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने रखा है कैसे कैसे बना सकते हैं। सब मशीन पे ही, यहाँ पे ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है। सभी जॉब यहाँ पे ही बच्चे ने ही मशीन पे बनाए हुए हैं। है दूसरा मशीन CNC लेथ मशीन या टर्निंग सेंटर। अभी बच्चे की बैच खत्म हो गई है, दूसरी बैच 2 दिन के बाद शुरू होने वाली है, 4 मंथ की बैच। इसमें भी लेथ मशीन है, उस पर भी सीमेंस कंट्रोल था और उसमें फानुक कंट्रोल है। CNC लेथ मशीन है, ये कंपनी है जिन्फा कंपनी का मशीन है हमारे पास। ये CNC टर्निंग सेंटर, ये भी है कि यहाँ पे बच्चे ने जॉब लगाया होगा, ये जॉब बंधा हुआ है।
इसके बाद दूसरा मशीन, ये है VMC, ये दूसरा वाला VMC, पहले एक देखा हमने वो भी फानुक कंट्रोल था, और इसमें है सीमेंस कंट्रोल। सीमेंस कंट्रोल है और सीन्यूमेरिक 8-8D बेसिक है। इसमें सिर्फ 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, 4 एक्सिस यहाँ पे नहीं है, उस पर 5th एक्सिस भी थी वो VMC पे, 5th एक्सिस मशीन था। और ये है हमारा 3 एक्सिस मशीन VMC। उसके बाद ये हमारा तीसरा VMC मशीन है। VMC मशीन पे यहाँ पे 4th एक्सिस भी है, मैंने भी मशीन चालू नहीं किया है इसलिए 4th एक्सिस हम यहाँ पे थोड़ा दूर खड़ा है। ये है ADC, ओल्ड मशीन है इसलिए ADC इस प्रकार से है। यहाँ पे भी फानुक कंट्रोल है। ये वर्कशॉप का पीछे का बैकग्राउंड है। सभी यहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है टेक्निकल फील्ड में हमारे। देखो ये वर्कशॉप का बैक साइड भाग है, सभी पेड़ पौधे उगाए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों ने खुद कटिंग किया है, वुडन लाते हैं, ऐसे ब्लॉक लाते हैं वुडन के, और अपने आप प्रोग्राम बनाकर खुद कटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे टैपिंग और ड्रिलिंग सब कुछ किया है वुडन पे। हम एल्यूमिनियम का भी मटेरियल देते हैं लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के लिए उनको ये जॉब, ये ब्लॉक खुद लाते हैं वो। ये इस प्रकार से पॉकेट कटिंग किया है। हमारी ट्रेनिंग सेंटर जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में चल रहा है, CNC ट्रेनिंग सेंटर, सेवासी से सिंदरोट बड़ोड़ा में, गुजरात बड़ोड़ा में। सेवासी करके गांव है, सेवासी गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सेवासी और सिंदरोट के बीच में है हमारा टेक्निकल। आप कभी भी मुलाकात ले सकते हो, हर साल जनवरी से अप्रैल तक, फिर मई से अगस्त तक, और सितंबर से दिसंबर तक। इस प्रकार से 3 बैच चलती है और एक एक्स्ट्रा बैच है वो है 1 ईयर का। उसमें हम कई प्रकार के मशीन सिखाते हैं, हमारा लैब है कंप्यूटर लैब,